हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के पोस्टिंग की ट्रिक बताने वाला हूँ। कैसे आप 10 मिनट के अंदर पोस्टिंग की पूरी ट्रिक सीखकर एग्जाम में आराम से पोस्टिंग के फुल मार्क्स ले सकते हो। एकदम सिंपल सा ट्रिक है जिसे आप फॉलो करके आराम से पोस्टिंग के आपके फुल मार्क्स मिल जाएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जिन स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, उन लोग इस वीडियो को देख लेंगे, इसके बाद बोलेंगे कि हाँ, उनको पोस्टिंग के फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आपके एग्जाम में टोटल 12 मार्क का आता है, तो इसमें से 6 मार्क्स आपका पोस्टिंग का होता है। इजीली आप 5 से 10 मिनट में आप पोस्टिंग सीख जाओगे। अभी एग्जाम में आपको क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया रहता है जिसमें से आपको उठा कर इसको आइटम को पोस्टिंग करना रहता है 3 जगह, एक ट्रेडिंग अकाउंट्स में, एक प्रॉफिट एंड लॉस में और एक बैलेंस शीट में। और कुछ आइटम रहते हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, तो ये बहुत ही कम आइटम होते हैं। तो 3 जगह पोस्टिंग करना रहता है और कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। एडजस्टमेंट भी मैं आपको बता दूंगा, एडजस्टमेंट करके आप सिर्फ 6 मार्क्स नहीं, 8 से 10 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे पोस्टिंग करना, पोस्टिंग की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को एक ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स की फॉर्मेट है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट्स को आपको मान के चलना है फ्रेंड कि ये फैक्ट्री है। क्या है? फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी यहाँ पर आपको ये सोचना है कि यदि जो भी चीज़ें, यदि गुड्स फैक्ट्री में आए ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखने का। गुड्स आया फैक्ट्री में तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखने का, गुड्स फैक्ट्री से गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखने का। चाहे जैसे गुड्स जाए, चाहे जैसे गुड्स आए, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा रहेगा, फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, फैक्ट्री का कोई इनकम रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। किसका? फैक्ट्री का। चलो देखते हैं क्या क्या आइटम आ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, शुरू में 2 से 3 आइटम आपको लिख के रख लेना है। एक लास्ट ईयर का बचा हुआ माल रहता है, सबसे पहले हम लोग उसको यूज करते हैं, उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। जो भी अमाउंट रहेगा उसको यहां पर लिख देना है। फिर ये 2 आइटम लिख के रखना है, जैसे परचेस करेंगे तो हमारे पास गुड्स आ रहा है ना, तो जो भी गुड्स आएगा परचेस करते समय इसको यहां पर लिख देने का। और सब में चेक करने का ट्रायल बैलेंस में, यदि परचेस रिटर्न दिया रहेगा तो उसको लेस कर देने का, नहीं भी दिया रहेगा तो लिख कर रखने का, कोई दिक्कत नहीं। दिया रहेगा तो अमाउंट लिख कर माइनस कर देना है, नहीं दिया रहेगा तो डैश मार के जो अमाउंट रहेगा उसको ये आउटर कॉलम में लिख देना है। ऐसे जब हम लोग सेल करेंगे तो गुड्स जाएगा फैक्ट्री से, सेल करते समय फैक्ट्री से गुड्स जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखने का बाय सेल्स। जैसे खरीदते समय गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिख दिया, ऐसे बेचते समय गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। इसके अलावा मैंने क्या लॉजिक बताया, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा रहेगा सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। जैसे फैक्ट्री में पावर एंड फ्यूल यूज होता है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को हम लोग वेजेस देते हैं, हम लोग गुड्स खरीद के लाते हैं तो भाड़ा भरते हैं, ठीक है, वो गुड्स कहाँ पे आता है, फैक्ट्री में आता है, तो उसे हम लोग कैरेज बोलते हैं। एग्जाम में सिर्फ कैरेज दिया रहेगा तो भी डेबिट में लिखने का, कैरेज इनवर्ड रहेगा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखने का। और भी फैक्ट्री के, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री के रेंट हो गए, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे सबको ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस में लिख देता हूं। ऐसा कोई भी खर्चा जो फैक्ट्री का रहेगा सबको ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिख देना। एक दो सम को आप लोग देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाएगा मैं कैसे लॉजिक मेरा काम करता है। ऐसे ही हम लोग के पास गुड्स गया, चाहे गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर आपको एडजस्टमेंट में दिया तो भी गुड्स तो हमारे पास से गया ना, तो क्रेडिट साइड में लिख देने का। मान लो सेल्स रिटर्न दिया रहेगा ना, तो सेल्स रिटर्न को यहाँ से माइनस कर देने का सेल्स में से। जब सेल्स रिटर्न दिया रहेगा तो इनर कॉलम में लिख के माइनस करके आउटर कॉलम में लिखना, नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, हमारे पास माल बच गया क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। एक इफेक्ट यहाँ पे लिखने का, दूसरा एसेट्स में जाके लिख देना, क्योंकि गुड्स तो जा रहा है ना, गुड्स यदि पार्टनर्स लेके गया, पार्टनर्स गुड्स को लेके जा रहा है, गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स, गुड्स तो जा रहा है ना, फैक्ट्री से गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखने का।
इसके बाद ये अकाउंट्स को टैली करना एडजस्टमेंट करने के बाद, तो टैली करने के बाद जो भी साइड का ज़्यादा रहेगा, जैसे यहाँ पर क्रेडिट साइड का ज़्यादा रहेगा, मान लो डिफरेंस यहाँ पे डेबिट में आया, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में डिफरेंस आता है इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। यही मान लो यहाँ पर आपका डेबिट साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो ऐसे में डिफरेंस यहाँ पर आएगा, इसको हम लोग ग्रॉस लॉस बोलते हैं। ये होता ट्रेडिंग अकाउंट्स की पोस्टिंग का टेक्निक, ठीक है। इसको हम लोग फैक्ट्री समझेंगे, फैक्ट्री के जो भी खर्चे रहेंगे फैक्ट्री के ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, और फैक्ट्री के जो भी इनकम रहेंगे क्रेडिट साइड में, गुड्स आए तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, दैट्स ऑल। आराम से आपको ट्रायल बैलेंस देख के पता चलेगा कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाता है, एकदम ईजी और सिंपल ट्रिक। ऐसे आप अपने पास हर एक चैप्टर का पोस्टिंग का सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक है। हम लोग ज़्यादा यहाँ पे अकाउंट को डिफिकल्ट तरीके से नहीं पढ़ते हैं कि रट्टा मारो, ये याद करो, वो याद करो, कुछ भी नहीं, सिर्फ लॉजिकली पढ़ने का। अकाउंट्स अकाउंट्स सब्जेक्ट ही लॉजिक बेस है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझ के रखने का ऑफिस, पहला ऑफिस समझने का, एक ऑफिस का जो भी खर्चा रहेगा सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। जैसे ऑफिस में काम करने वाले को पगार जो मिलता है उसे हम लोग सैलरीज बोलते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। ऑफिस में काम करने पे ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगता है, ऑफिस का रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। ऐसे फैक्ट्री के जितने भी खर्चे रहेंगे सब कहाँ पे आ जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे। और क्या आएगा, एक तो ऑफिस के खर्चे, दूसरा कौन सा खर्चा लिखने का इसके अंदर, चलो यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ आपको समझेगा। एक तो ऑफिस के खर्चे हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, दूसरा सेलिंग के खर्चे, जो प्रोडक्ट बेचने के सेलिंग एक्सपेंस होते हैं ना वो सब, जैसे यहाँ पर सेल्समैन को सैलरी देना है, टू सेल्समैन सैलरी हो गया, टू डिस्काउंट हो गया, कमीशन देना, ऐसे जो भी सेलिंग के खर्चे रहेंगे सब यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल खर्चे आते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस में जैसे टू इंटरेस्ट हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, ये सब आता है। इसके अलावा बैड डेब्ट्स आ जाता है, बैड डेब्ट्स लिखने का, न्यू बैड डेब्ट्स रहेगा तो इसमें ऐड करने का, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो ऐड करने का, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी। यदि आपको समय ओल्ड आरडीडी दिया रहेगा तो इसमें से लेस कर देने का, लेस ओल्ड आरडीडी। इसके अलावा और भी कोई एक्सपेंस लॉस हुआ, कोई भी एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन हो जाना या अदर कोई भी लॉस एक्सपेंस रहेगा, सबको इसके अंदर ही लिखने का अदर एक्सपेंस। ऐसा एक्सपेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में नहीं जाता, बचा हुआ कुछ भी रहेगा सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। ऐसे कुछ इनकम हो गया, जैसे यहाँ पे तो पहली बात ये थी, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स में तो यहाँ पर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिख देने का ब्रॉड डाउन। लॉस आ रहेगा तो इस साइड लिखने का ग्रॉस लॉस। इसके अलावा कोई भी इनकम हुआ, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, या क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा ना, समझ जाने का, क्रेडिट साइड में अमाउंट दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट मान लो दे दिया, उसको अमाउंट डेबिट रिसीव उसी बोर्ड नहीं लिखा, लेकिन अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी इनकम रहता है क्रेडिट साइड में आता है। फिर लास्ट में इसका भी टैली करते हैं हम लोग, टोटल मारते हैं, जो साइड का ज़्यादा रहता है दोनों साइड लिखते हैं। मान लो क्रेडिट साइड का ज़्यादा रहेगा तो दोनों साइड लिखेंगे, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा इसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट। और पार्टनर, जैसे ए बी पार्टनर है तो उनको डिवाइड करके दे देंगे, ऐसे हम लोग पार्टनर्स को डिवाइड करके दे देते हैं। यदि मान लो ए इस साइड का ज़्यादा आया, इस साइड कम आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, बाय नेट लॉस।
ए बी किसको देने का है, ए बी पार्टनर है मान लो, इनके पार्टनर्स को डिवाइड करके दे देने का जो भी अमाउंट रहेगा, ठीक है। अभी इसको क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनता है, छोटा सा वर्किंग नोट के तौर पे बना देने का। जैसे मान लेते हैं ए बी दो पार्टनर है, ठीक है, एक ए है बी है, ए बी पार्टनर्स कैपिटल। इसके लिए क्या लॉजिक, इसके अंदर क्या आता है, तो सबसे पहले तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आता है, जो कैपिटल आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से लिख देने का। इसके अलावा इसको नेट प्रॉफिट आएगा तो इस साइड में आ जाएगा, यदि लॉस आएगा तो डेबिट साइड में आएगा। इनको सैलरी मिला, सैलरी पार्टनर्स रहा, पार्टनर्स को सैलरी मिला तो इसके अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट साइड में आएगा। ऐसे यहाँ पर ड्राइंग, यदि ये लोगों ने कुछ पैसा घर पे लेके जाएंगे, गुड्स लेके गए कुछ भी, तो डेबिट में आएगा। यदि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आ जाएगा। टोटल मारेंगे, टैली करेंगे दोनों साइड का, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी ये बैलेंस को हम लोग को कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा बैलेंस शीट है, यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल का जो बैलेंस आया रहता है वो लिख देते हैं, ए बी का जो भी कैपिटल रहेगा। इसके अलावा लाइबिलिटीज मीन्स क्या होता है, कर्जा, बिजनेस के जितने भी कर्जे रहते हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे क्रेडिटर हो गया, जिसके पास से उधारी में उन्होंने सामान खरीदा है, क्रेडिटर के अलावा आ जाता है इसके अंदर बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, किसी भी तरीके का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं। इसको लाइबिलिटीज में लिख देने का। ऐसे बिजनेस का जो असेट्स रहता है सब क्रेडिट में आ जाता है। जैसे बिजनेस के असेट्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गए या डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो ये सब इसके अंदर आता है, दोनों साइड लिखेंगे टैली हो जाएगा आपका। यदि बैलेंस से टैली होगा समझ जाने का सम राइट है। तो ये मैंने पूरा आपको पोस्टिंग की ट्रिक बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट्स को क्या समझने का, फैक्ट्री समझने का, फैक्ट्री के जो भी खर्चे रहेंगे डेबिट में लिखने का, फैक्ट्री में गुड्स आया तो डेबिट में लिखने का, गुड्स गया तो क्रेडिट साइड में लिखने का। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बताया कि ऑफिस है और सेल्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी खर्चे रहेंगे सब डेबिट में आएंगे। और इसके अलावा और भी ऐसे कोई खर्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में नहीं जाता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, और इनकम रहेगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऐसे पार्टनर्स कैपिटल का भी मैंने बता दिया आपको ट्रिक कि पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस आता है, और ऐसा कोई चीज़ जो पार्टनर्स के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, एक्सपेंस रहेगा तो डेबिट में आ जाएगा। बैलेंस शीट के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, असेट्स और लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो भी रहते हैं, जो भी कर्जा रहते हैं वो डेबिट में आते हैं, और जो असेट्स रहते हैं वो कहाँ पे आते हैं, क्रेडिट साइड में आते हैं। थैंक यू सो मच।